क्रिएटर होता है ना आला दर्जे का, जो चीजों को क्रिएट कर सकता है, वो यू होता है जो थॉट को अपने पास कैरी कर ले। अगर आपकी थॉट के साथ थॉट चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। वो लोग आपको पता है कि ये जो गूगल है वो सबसे महंगे कुछ लोग रखे हैं उन्होंने, पता है आपको? वो दुनिया के महंगे तरीन जो है ना कुछ लोग उन्होंने दुनिया के मुख्य मुल्कों से ला के वहां पे वो थॉट्स करते हैं। उनको हर चीज कमरे में दस्तियाब है, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाएं पिए रहें सोए जो कुछ मर्जी बुफे खाए, लेकिन वो सारा दिन थॉट देते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर नई थॉट ही असल काम है। और नई थॉट क्या होती है कि नेस्ले ने एक नई थॉट दी आपको बरसवीर के लोगों को कि पानी आप एक मिनरल बात होती है, तो वो पाकिस्तान में क्या पानी नहीं था? पानी तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी यहाँ मौजूद था, लेकिन उसने एक थॉट दी आपको, एक नई सोच दी। फिर उसके बाद आप देखें कि ना पानी आपका पानी है, बेचने वाले आप हैं, बोतल आपकी है, रैपर्स आपके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आप हैं और पीने वाले भी आप हैं, ये क्या है थॉट? तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आप नया सोचना सीखें। ये जो मैंने आपको आज सिखाया ना, ये एक एक्सरसाइज, ये नया सोचने के लिए एक्सरसाइज है और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 3 मिनट रोजाना करके देखें इसको अपनी जिंदगी में, आपके पास नए आइडियाज आएंगे, नई चीजें आएंगी आपके पास, क्योंकि जैसे डायरेक्शन चेंज होती है आपकी आपको पता चल गया कि मैं चेंज कर गया हूं। अदरवाइज क्या होता है, एक फीता आपके माइंड में लगा हुआ है, जैसे सिनेमा हाउसेस में पहले फीते लगे होते थे, वो चल रहे हैं, बस पूरा दिन गुजर गया, फिर नया दिन आ गया, फिर नया दिन आ गया, फिर नया दिन आ गया। जी आए सर, आप हमें बताएं थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। अपने साथी जब आते हैं उनको थोड़ा सा इनके लिए नहीं करते, याद रखें ये 109 प्रेशर पॉइंट्स जब आपके साथ बजाते हैं इसको मस करते हैं, पूरी बॉडी अलाइन होती है आपकी। आप सिर्फ इस एक्सरसाइज को सुबह अर्ली मॉर्निंग में करके देखें, आपके चेहरा देखें और भूल के ये पेड़ चेहरे जो है ये खत्म हो जाएंगे। आपको पता है कि पेड़ चेहरे क्यों हो रहे हैं? ये आप सारा दिन बैठे रहते हैं, मैसेजिंग करते हैं या काम कर रहे होते हैं, बैठ बैठ के चेहरे फेल हो गए। आप कभी हॉकी खेलने वाला, फुटबॉल खेलने वाला और बच्चा क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को देखें, बिल्कुल यहाँ से रेडिश होते हैं, पिंकिश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड होता है पूरा, अब पूरी ऑक्सीजन बॉडी में गई होती है। जब आप बैठे रहते कहीं काफी देर तक तो आपकी बॉडी के लिए जो आपके लंग्स हैं वो तो सिर्फ 30%, और एक वक्त ऐसा आता है स्पैरो ब्रीथ पे आ जाते हैं आप। तो कोशिश किया करें थोड़ा सा जब भी कहीं बैठे 5-10-7 घंटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक लॉन्ग रन थोड़ी सी लें, भागें थोड़ा सा, कोई ब्रिक्स वॉक करें, ताकि आपकी बॉडी अलाइन हो, पूरी बॉडी अलाइन हो। प्लीज आज के बाद करना।